लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें SS प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम सिंह, SS प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको UTL कॉम्बो प्लस। जी हां, UTL कॉम्बो प्लस कोई कॉम्बो मॉडल नहीं है कि जैसे कॉम्बो का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे सोलर है, बैटरी है और अन्य कुछ प्रोडक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्बो का यहाँ जो कॉम्बो प्लस का मीनिंग है वो UTL ने दो मॉडल निकाले हैं। वैसे तो ये मॉडल काफ़ी टाइम से मार्केट में सेल हो रहे थे, पहले भी UTL ने सेल किए हैं जब तक सोलर मार्केट नहीं आई थी। तो क्योंकि UTL पहली कंपनी है जिसने भारत को इन्वर्टर दिया था। UTL कॉम्बो प्लस 12 वोल्ट में और 24 वोल्ट में दो मॉडल कंपनी ने निकाले हैं। इनमें क्या है, ये सिंपल इन्वर्टर हैं, ये सोलर वाले नहीं हैं। यानी कि अगर आपको इन पर सोलर लगाना है तो सोलर लगाने के लिए आपको कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये इन्वर्टर यानी कि सिंपल इन्वर्टर जैसे अभी मार्केट में आते हैं, जैसे माइक्रोटेक वगैरह के बहुत ज़्यादा चलते हैं हमारे एरिया में, या लुमिनस के या एक्साइड के आते थे पहले सिंपल इन्वर्टर, सिंगल के या डबल के, तो उस पर हम 12 वोल्ट में या 24 वोल्ट में उन इन्वर्टर को लगा देते थे और अपने घर के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे ही UTL ने कॉम्बो प्लस के नाम से ही निकाले हैं। अब कॉम्बो प्लस की इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ। ये सिंपल इन्वर्टर है, अगर आप इस पर सोलर लगाना चाहते हैं तो सोलर लगाने के लिए आपको इस पर कंट्रोलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कुछ कंपनी ने दिया है, क्या कुछ इसके बॉक्स में है, ये सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और बाद में मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊँगा कितने प्राइस का आपको ये पड़ेगा, और आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कॉम्बो प्लस की अनबॉक्सिंग 12 वोल्ट की और 24 वोल्ट की। इसमें मैं केवल 12 वोल्ट की ही अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, वैसे वहीं पास में ही रखा है 24 वोल्ट भी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, लेकिन दोनों सेम ही मॉडल हैं। जैसी एक की अनबॉक्सिंग है, जो कुछ एक में दिया हुआ है कंपनी ने वही उसमें है, बस फ़र्क इतना है उनकी थोड़ी VA का डिफरेंस है, और ये 12 वोल्ट में है और एक 24 वोल्ट में है। तो कॉम्बो प्लस के दोनों मॉडल हम देखेंगे, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, तो चलिए देखते हैं। तो यह UTL कॉम्बो प्लस UPS, ये जो UTL के अभी नए मॉडल आए हैं ये विदाउट सोलर में है, और ये इसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है भाई यहाँ पर, आप देख सकते हैं माइक्रो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसमें, सिंगल कार्ड रिलायबिलिटी है यानी कि इसमें सिंगल कार्ड का इस्तेमाल किया गया, उसी पे सारा ऑपरेट करता है। उसके बाद है मल्टी स्टेज चार्जिंग, जैसा कि हेलियक में हमने बताया था, ये चार्जिंग की जो अलग अलग स्टेजेस इसमें दी हुई हैं। कॉम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट, बहुत हल्का वेट है भाई इसका। वाटर ट्रोपिंग इन 8 मंथ्स, यानी कि कम से कम आपको 8 महीने तक बैटरी में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, ये फंक्शनलिटी इसमें है। उसके बाद है डिजिटल बैटरी लेवल, यानी कि ये डिजिटली बताता है आपको कि बैटरी का लेवल क्या है। इसमें जो 5th जनरेशन पावर स्विचिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, फुल चार्जिंग फ्रॉम 130 वोल्ट, यानी कि अगर आपकी जो लाइट है भाई अगर 130 वोल्ट भी है तब उसमें भी ये फुल चार्जिंग देगा। तो ये है UTL कॉम्बो प्लस UPS, और इसका एक बार सीरियल नंबर वगैरह देख लेते हैं हम। ये जो मॉडल है भाई ये है C1075, ये 12 वोल्ट में है, और इसी में एक सेम आता है 24 वोल्ट में कॉम्बो प्लस UPS के नाम से ही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो ये मॉडल है इसका C1075, DC वोल्ट 12 वोल्ट का है, ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये डायमेंशन है भाई इसकी, उसके बाद प्रोडक्ट डायमेंशन जो इसमें दी गई हैं। इसका जो वेट है भाई ये 10 kg, 9.2 kg दिया हुआ है, ये इसकी MRP है, लेकिन इतने का नहीं है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा ये कितने का आपको पड़ेगा। तो एक बार इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं पहले। काफ़ी प्रोडक्ट निकाले हैं UTL ने, और उनमें से अभी ये एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है UTL का, और मैं दिखाता हूँ एक बार इसको आपको, अभी एक बार बाहर निकाल के दिखाते हैं इसको। ये हमारा भाई ये हो गया UTL कॉम्बो प्लस UPS 12 वोल्ट, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। एक तो ये है भाई ये तम्बाकू की डब्बी ये है भाई इसमें, ये इसका फ्रंट है भाई, ये देखिए बड़ा सिंपल सा और बड़ा हल्का वेट है भाई इसका। ये मेन का दिया हुआ है भाई हाई लुआ, बैटरी लेवल इसमें
जो आता है, बैटरी लो का, बैटरी ऑन, बैटरी चार्जिंग, ओवरलोड, ये वाइड रेंज या नैरो रेंज, और ये इसका बटन है। ये आवाज़ सुनाई दे रही होगी शायद आपको, ये इस प्रकार से। तो ये है इसका फ्रंट, आप देखते हैं इसकी बैक साइड में। भाई UTL के अच्छे प्रोडक्ट हैं वैसे। ये है भाई इसकी बैक साइड, ये इसका मॉडल वगैरह दिया हुआ है, सीरियल नंबर, कैपेसिटी दी हुई है भाई 600 वॉट, नॉमिनल इनपुट दी हुई है, और ये आपका AC फ्यूज़ वगैरह, ये सारी डिटेल्स दी हुई है। मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्यूज़ यामा पावर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और ये फ्यूज़ है भाई इसके, ये AC फ्यूज़ है। ये नेगेटिव दिया हुआ है बैटरी में, जब आप लगाएंगे ये पॉजिटिव है। और ये AC मेन है, यानी कि ये जो वायर आपको, ये जो स्विच है, ये मेन में लगाना होगा। और ये इसकी आउटपुट है, यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। और भाई इन्होंने ये प्लग भी एंकर कंपनी का इस्तेमाल किया हुआ है, तो अच्छा प्रोडक्ट है। ये फ़ैन है इसका। तो ये है हमारा 12 वोल्ट में। एक और मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ये जैसे इसमें जो फ्यूज़ दे रखे हैं भाई, बाहर ही दिए हुए हैं, सभी कंपनियों में अंदर होते हैं ये फ्यूज़। और इसमें ये फ्यूज़ बॉक्स है, दिखाना भाई एक बार निकाल के इसको। ये ओ क्या बात है, तो ये फ्यूज़ बॉक्स है। जैसे ही कोई फ्यूज़ ख़राब होता है, AC फ्यूज़ आपका ख़राब हो गया, तो आप ये AC फ्यूज़ लगा सकते हैं। ये फिर अंदर दो DC फ्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों DC फ्यूज़ अगर ख़राब हो जाए तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक प्रकार से पैकिंग भी दी हुई है कंपनी ने। बंद क्लोज़ कर दे भाई इसको एक बार, इसके ढक्कन को। तो ये है भाई UTL कॉम्बो प्लस 1075 12 वोल्ट में। अब इसी में ऐसा ही सेम मॉडल जो दिए हुए हैं UTL ने, वो 24 वोल्ट में है। ये देखिए, ये UTL कॉम्बो प्लस UPS, ये जो मॉडल है भाई C1675, यानी कि 1675 है ये। और DC वोल्ट जो है इसकी 24 वोल्ट, यानी कि 24 वोल्ट में ये मॉडल है। ये सीरियल नंबर है, ये पैकिंग डायमेंशंस दी हुई है, वेट वगैरह इसका, जो ये प्राइस इसके MRP दी हुई है, मैं अभी इनके प्राइस बताता हूँ। तो ये भी एक 24 वोल्ट में ही है भाई, ये देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है। और कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं इनके, जैसे जिनसे सर्टिफाइड होती है कंपनी, ये सर्टिफाइड है, मेड इन इंडिया है, यहाँ से जो जो सर्टिफिकेशन चाहिए सभी चीज़ें हैं इसमें। तो बहुत अच्छा है ये भी UPS, और आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी मैं इनका प्राइस बताता हूँ आपको। तो ये जो मॉडल है आपको 12 वोल्ट में, ये जो हमने अभी इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई है, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग उसकी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो सेम ही है भाई, मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा, बस वो 24 वोल्ट में है। ये जो मॉडल है, अगर आप ये लेना चाहें, तो ये मॉडल आपको लगभग पड़ेगा 3800, यानी कि मैक्सिमम रेट है। लोकेशन के हिसाब से थोड़ा रेट चेंज होता रहता है, तो आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं। तो इसका 3800 रुपये रेट पड़ेगा आपको सिंगल का। और ये जो 24 वोल्ट में है, इसको अगर आप लेना चाहें, तो इसका प्राइस लगभग आपको पड़ेगा 5500 रुपये, यानी कि 5500 रुपये। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।